चला गया वो। साथ सच बताओ, तुमने उसे क्या कहा था जो यूं चला गया? हॉल पड़ी थी मैंने, मेहमान था हमारा वो। सर्दी लग रही है मुझे। अपने गीले बाल तो हटाओ, अंदर चले जाओ ना। नहीं, तुम्हारी ना इन बातों से सब परेशान है, और पुप्पो समझती है कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा है। उठो, अंदर जाती सो। तुम्हें पता है तुम्हारे बालों की खुशबू हमेशा मेरी आंखों में नींद ले आती है। मैं क्या कह रही हूँ? क्या मैं हमेशा यहाँ पे सर रख के सो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अंदर जाके सो। उठो साथ। अच्छा बस आज। मेहानी, ये यहाँ सो रहा है? वो थक गया था, सो गया। थका हुआ था तो इसको इसके कमरे में भेजना था, वरना खुद चले जाना था। इसका सर तो कम से कम तकिए पे रख दो। रखती हूँ अभी, कच्ची नींद में। तो अच्छा है ना कि जाग जाए, यूं सरेआम यहाँ पर इतनी सख्त सर्दी में सोना अच्छा है क्या? मैं जगाती हूँ इसको। वो नहीं, वो कच्ची नींद से उठ गया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उम्मे हानी, ना तो तुम अब बच्ची रही हो और ना साथ कोई छोटा बच्चा है। बचपन में से गोदों में बहुत खिलाया होगा तुमने, लेकिन अब इस उम्र में इतनी बेतकल्लुफी, कुछ खुदा का खौफ करो। कमाल करती है, हर चीज की हद होती है, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? माँ हूँ उसकी, सब समझती हूँ।
अंदर क्यों नहीं आया सोने के लिए? अपने डैडी से बचता फिर रहे। कमाल है भाभी, मैं इतना गंभीर मसला आपको बता रही हूँ और आप इसे तवज्जो ही नहीं दे रही। तुम इसको मसला क्यों बना रही हो? साथ में अभी बचपन है, उसे इन बारीकियों का ख्याल नहीं रहता। हम क्यों दोनों को एहसास दिला के मासूम बचपन को धुंधला करें? भाभी साद माशाल्लाह से 19 बरस का है और ये मोहतरमा तो उससे भी 2-4 बरस आगे है। आप माने या ना माने लेकिन साद उसके लिए नामहरम है। कैसी बातें कर रही हो मापारा? तुम भी ना भाई। सलमा भाई आके कपड़े ले जाओ, तहे मैंने लगा दी इसलिए तुम खुद ही करोगी। तौबा, आधा काम इसको खुद करके दो। सलमा दोबारा ऐसी हरकत ना हो साहब जी। वीकेंड से पहले घर आने की कोई जरूरत नहीं जी। यहां से सीधे हॉस्टल जाना जी। खुदा हाफिज़। Yeah.
यानी तुम्हारी छठी इसने तुम्हें सही सिग्नल दिया और तुम वक्त पर वहाँ पहुँच गए। इसके बारे में मेरा दिल कभी गलत सिग्नल दे ही नहीं सकता। इस बार तो तुमने नैया डूबने से बचा ली, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। तुम उसे बता क्यों नहीं देते? उसे पता है। वाकई? हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे बहुत चाहती है, जितना मैं उसे चाहता हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। तो फिर रुकावट क्या है? घर बात करो और किस्सा खत्म करो। रुकावट है ना यार, मेरी एज, अभी 19 का हूँ मैं। अभी ये बात मैंने घर में की तो डैड के लेक्चर शुरू हो जाएंगे, लेकिन वक्त गुजरने का क्या पता चलता है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, 21-22 का हो जाऊंगा मैं। जैसी एजुकेशन खत्म होगी मामा को जाके कहूंगा मेरी शादी करा दें। सिंपल। इज दैट रियली सिंपल? हाँ, मैंने सब सोच रखा है, तू टेंशन ना ले। जिंदगी को सोचना बहुत आसान लगता है और सोच ही सोच में जिंदगी गुजारना भी बहुत आसान होता है, मगर मेरे दोस्त, जिंदगी को धोबी पटका देना बहुत जबरदस्त आता है। धोबी पटका? हाँ, सरप्राइजेस देना और कभी कभी शौक देना। सो बी प्रिपेयर्ड। मुझे किस बात से डराना चाह रहा है यार? यार मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तो बस तेरी बेफिक्री खत्म करना चाह रहा हूँ। कज़न है वो मेरी, हम एक ही घर में रहते हैं। मेरे डैड भी उसको बहुत प्यार करते हैं और मेरी मामा भी उसको बहुत चाहती हैं। तो फिक्र ना कर, मुनासिब वक्त आने पे मैं सबको बता दूंगा और सब हंसी खुशी मान जाएंगे। और अगर किसी और का मुनासिब वक्त तुमसे पहले आ गया तो? किसी और का कौन? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जिसे चाहते हो उसे अपने दिल की बात कह दो। ऐसा ना हो तुम्हारे मुनासिब वक्त के इंतजार में तुम दोनों के दरमियान कोई और आ जाए। दरमियान दो लोगों के बीच आया जाता है, हम दो नहीं हैं। उम्मे हानी और मैं एक हैं, और एक के बीच कोई नहीं आ सकता, समझा तू? चलो, तू टेंशन ना ले। ये क्या है? ये तो गालिबन मेरा स्केच है। अब बगैर मेरी परमिशन के तो नहीं बना सकते।
फिर दवा का बहाना करके तू सारा दिन बाहर लगा कर आई है ना सलमा? कहती तो यही है, पता नहीं ये दवा लेने किस चीज की जाती है। बंदा पूछे सर में दर्द है, गला खराब है, पेट खराब है, अरे ऐसी छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां तो हवेली में मौजूद हैं। बता भाई, कोई ज्यादा मसला है तो तुझे डॉक्टर को दिखा देते। ये नीम हकीम की दवाइयां खा के अपनी जान को कोई नई मुसीबत ना डाल लेना। नहीं नहीं बेगम जी, वो डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं होता, इस हकीम की दवाई ना रास है, मुझे हमारा खानदान यकीम है ना। लो भाई अल्लाह की शान, सुना आपने भाभी, खानदान का तो पता नहीं हकीम खानदानी रखा हुआ है। ए झूठी लपाड़न, तू 6 बरस की उम्र से तो इस हवेली में धक्के खा रही है, तुझे अपने माँ बाप की शक्ल याद है जो तुझे हकीम याद आ गया? अच्छा चल बस करना माँ पारा, और जाओ जा जाके किचन में सब्जी को देख, अच्छी तरह धो के काटो और हांडी चढ़ाओ, वक्त देखा क्या हो गया है, काम में ध्यान हो तो फिर ना। क्यों नौकरों के मुंह लगती हो? क्यों ना लगूं भाभी, आखिर हवेली की मुलाजमाएं भी हमारी जिम्मेदारी है, कल इनके साथ कोई ऊंच नीच हो जाए तो लोग हमारी ही इज्जत बेइज्जती की बात करेंगे ना। अब कहाँ जा रही है? वो जी बाग से पालक तोड़ने। देखिए इसका मटक ना देखे जरा, अरे चल घूरती आगे से, अरे नखरे तो देखे इसके। एहसास है मुझे अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से, इसलिए तो मैंने रिजवान से कहा है कि अपने ड्राइवर से इसका निकाह पढ़वा दे। निकाह? हाँ 18वें में लगी है, बारूद का ढेर, जितनी जल्दी ठिकाने लगे उतना ही अच्छा है, जान से उतरे मुसीबत। पता नहीं कौन बांसुरी बजाता है, रोज इसी वक्त सुर बिखरने लगते हैं। आज सुर नहीं दर्द बिखर रहे हैं, बांसुरी रो रही है आज। तुम रो रही हो सलमा? क्या करूं जी, सब अपनी आंखों के सामने दुनिया उजड़ रही हो, कब से कब रो तो सकती हूँ ना। कौन है वो? है नहीं था, खत्म हो गया जी सब कुछ। मगर तुम तो आज भी उससे मिलने गई थी ना, मैं जानती हूँ। है को था, होने में कितनी देर लगती है जी, जब गई थी तो आंखों में ख्वाब थे, उम्मीदें थी, वापस आते ही पालकों ने सब कुछ छीन लिया। दिल का कोई मालिक नहीं होता, इस पे तो कभी कभी अपना भी इख्तियार नहीं चलता। तुम मेरी बात मानो और हिम्मत करो और अपने दिल की बात कह दो। कैसी बातें कर रही है बेबी, हम गुलाम होते हैं, नसल दर नसल गुलाम, हमारी हड्डी बोटी चमड़ी सब गुलाम होते हैं, गुलाम बेचे जाते हैं खरीदे जाते हैं पर बोल नहीं सकते। Thank you.
अरे रिजवान, वो एक बार ज़रा मुझे भी ड्राइवर से मिलवा दीजिएगा, मैं अपनी तसल्ली तो कर लूँ। अब तुम ड्राइवरों को भी जांचोगी? कमाल करते हैं आप भी। अब उस लड़की को किसी राह चलते लफंगे उचक्के के हाथ तो नहीं दे देना। अरे दोनों ने कहाँ जाना है, इसी हवेली में ही काम करते रहेंगे वो। अच्छा चाय? नहीं मुझे जरा जल्दी। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? टाउन में नया कमिश्नर आया है, उसके साथ मीटिंग है, आज मैंने उसे लंच पे बुलाया। ओके अल्लाह हाफिज़। कुछ खास नहीं, स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी मैं। तुम कहीं मत जाया करो। अरे क्यों? बस ऐसे ही। बुद्धू, घर में रह के क्या करूंगी सारा दिन? पेंटिंग बनाया करो। तुम्हें तो पता है ना, मैं वही चीज बनाती हूँ जो मेरी आंखों को अच्छी लगे और दिल को लुभाए। यहाँ घर में क्या बनाऊं? कमरे की तस्वीरें बनाती रहूं हर वक्त। बाहर एटलीस्ट कुछ तो मिलता है जो फोर्स करता है स्केचिंग करने को। कुछ नया बनाया? हाँ, कोशिश की थी मगर पूरा नहीं कर सकी। वो क्या? बस था एक मंजर जिसे देख के अजीब सा खौफ महसूस हुआ कि कहीं पलक झपकते ही वो आंखों से ओझल ना हो जाए। और फिर उसे फौरन मैंने अपनी स्केचबुक में कैद करना चाहा, मगर मगर क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्या है आज का स्केड्यूल हमारा? सर एक लंच है और दो मीटिंग्स है। एक लंच है और दो मीटिंग्स। इस इलाके में कितने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं? मैं विजिट करना चाहूँगा। सर आप खुद? कमरे में बैठने के लिए नहीं आया, काम करने आया। अच्छा, कुछ लम्हे कैद करने के लिए नहीं होते साथ। ओके, वो बिल्कुल तितली की तरह होते हैं, हाथों से निकल जाते हैं और जैसे वो जैसे तितली हाथों में अपना रंग छोड़ देती है, वो मंजर भी मेरे हाथ में अपना रंग छोड़ गया। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ओके बाय। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 1947 को। और पाकिस्तान बनाया किसने था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों का मूड नहीं है आज पढ़ने का? नहीं है। नहीं है वाकई? चलो बाहर चल के खेलते हैं। चलो हो गया, इसको सही तरह करो ना। आपको तो आ गया। ये बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं? फरमाइए, कोई काम है आपको? नहीं, मैं यहाँ के प्रिंसिपल से मिलने के लिए आया। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या के इस तरह की मेहनत मजदूरी करने के लिए? मुझे ये स्कूल का मैं उस बेकार के ज्यादा लग रहा है। प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ मैं, ताकि मैं उससे पूछूं कि इन कामों के लिए मुलाजमीन रखे जाते हैं ना कि ये काम बच्चों से लिए जाए। यहाँ हर काम के लिए मुलाजिम है, माली से लेके पीएन तक। और रही इन बच्चों की बात, तो ये मजदूरी नहीं कर रहे, फन सीख रहे।
अच्छा नाम दिया है आपने। पता नहीं किस तरह से इनके वालिदैन यहाँ के स्कूल की फीस भर रहे होंगे और आपने इसको बागबानी और रंग साजी का नाम दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे फीस नहीं ली जाती, ये एक ट्रस्ट स्कूल है। इनके बुक्स, इनके यूनिफॉर्म इनको फ्री में दिए जाते हैं। और सेकेंडली, कोई भी काम छोटा नहीं होता। इनको यहाँ प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि बड़े होकर सूटेड बूटेड कारों में बैठकर सिर्फ अफसरी नहीं करें बल्कि मुआशरे में एक अहम रोल अदा करें। एनीवे, ये स्कूल आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप अपने बच्चों को किसी महंगे स्कूल में एडमिशन दिलवाएं जहाँ पे बच्चों को अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना ना सिखाया जाए। वो स्कूल और हॉस्पिटल आपका है? हमारा कहाँ, फलाही इदारा है, जाहिर है आवाम का। आज इत्तेफाक हुआ मेरा उस तरफ जाने का। जी हाँ, और मुझे खुशी हुई, मैंने सुना है कि कमिश्नर साहब खुद बनफ्स नफीस जाकर दौरा करते हैं और देखते हैं, तो मैं वाकई आपसे बहुत मुतासर हूँ। नहीं, मुतासर तो बल्कि मैं हुआ हूँ कि आप जैसे साहिब हैसियत लोग अपने से कम हैसियत के लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको हमारे स्कूल का माहौल? सेटअप से तो मैं खासा मुतमईन हूँ, लेकिन स्टाफ मैं चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इनसे मिलो, ये हमारे इलाके में नए कमिश्नर साहब आए हैं, सलार साहब। खुदा का शुक्र है कि कोई फर्ज शनास तो आया हमारे इलाके में। और सलार साहब, ये मेरी बेटी है उम्मे हान। खुशी हुई आपसे मिलकर। रिजवान शाह की बेटी से मिलकर खुशी हुई होगी आपको, एक मामूली टीचर से मिलकर खुशी तो नहीं हुई थी? मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। आज हमारे स्कूल और हॉस्पिटल का दौरा किया था ना इन्होंने। ठीक है, आप बैठे, मैं चलती हूँ। कमिश्नर साहब, बस ये आप लीजिए ना, हमने ये सोचा है कि मजीद कुछ इस इलाके के लिए हम करें और एक कॉलेज भी यहाँ होना चाहिए। मुनासिब है, बहुत बहुत मुनासिब। चूड़ियाँ भी लेनी है, अम्मा ने कहा था कि आप अभी यहाँ से चूड़ियाँ लेकर। चूड़ियाँ? हाँ, लोगों का अकीदा है कि यहाँ की मन्नत की चूड़ियाँ पहनने से लड़की की शादी जल्दी भी हो जाती है और पसंद की जगह होगी।
सुनिए, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं राह चलते लोगों से मुखातिब नहीं होती। रास्ते में तो इस वक्त बाय द वे आप चल रही हैं। वैसे मैं हैरान हूँ, अच्छी भली फैमिली की लड़की है, बड़े घर से ताल्लुक है आपका, इस तरह पैदल चलते हुए कुछ समझा नहीं मैं। बड़े लोग क्या माजूर होते हैं? नहीं, मगर अमूमन एहसास से आदि होते हैं। जिसमें एहसास ना हो वो इंसान नहीं होता। तस्वीर कब तक मुकम्मल करोगे? कभी भी नहीं। ना कोई चीज अधूरी और ना मुकम्मल नहीं करने देता। और जिस काम को मेरा दिल नहीं करता मैं वो कभी नहीं करती। मैं क्या करूंगी उन चूड़ियों का? उनको पहनने से वही शादी हो जाती है जहां दिल चाहता। तो तुम ऐसा करो, सलमा के लिए ले आओ। उस बेचारी की लव स्टोरी तबाही के धाने पर है। उसके लिए क्यों ले आओ? वो क्या लगती है मेरी? उफ़ ओह माय गॉड। क्या हुआ, कहाँ चले गए, चुप क्यों हो गए? तुम खामोश मत रहो, हंसती रहो। पागल? मैं ऐसे ही हंसती रही ना तो लोग समझेंगे मैं पागल हो गई। हंसने से कोई पागल नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी हंसी आपको पागल बना देती है। तस्वीर कब तक मुकम्मल करोगे? कभी भी नहीं। ना कोई चीज अधूरी और ना मुकम्मल नहीं करोगे। और जिस काम को मेरा दिल नहीं करता मैं वो कभी नहीं करती। Go! No.